बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। की गलियां हैं, ठीक है, ओल्ड टाउन की गलियां, उसमें हम घूम रहे हैं और बहुत प्यारी जगह। ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ और मैं आया हूँ अपनी मसाज के लिए, एंड आई थॉट आई विल ओपन द व्लॉग विद दैट। एंड अबीर और प्रीति ऊपर रूम में हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बट आई एम गेटिंग सम मी टाइम टुडे, तो आई विल गो एंड हैव अ गुड टाइम, एंड थैंक्स टू प्रीति एंड अबीर ऑफ कोर्स। बट चलते हैं मसाज कराते हैं, देन वी हैव अ फुल डे प्लान फॉर सो मेनी थिंग्स, तो आई होप कि यू विल एंजॉय विद अस। तो आज हो रही है बारिश, फिर हमने जाना है बाहर अभी, तो बस जा रहे हैं अभी हम। प्रीति और अबीर लॉबी में वेट कर रहे हैं मेरा, हम जाएंगे ओल्ड टाउन, देखी जाएगी यार बारिश है तो क्या हुआ, मौसम तो वैसे भी अच्छा ही है। भाई टैक्सी बुला ली, तो बस टैक्सी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं ओल्ड टाउन। और आज ना यहाँ पे बहुत ठंड है और मुझे पता है सब लोग मुझे बहुत सजेस्ट कर रहे हैं, प्रीति गिम्बल खरीद लो, आपका कैमरा बहुत शेक करता है, आई नो इट गाइस। यूके जाते साथी बहन सबसे पहले गिम्बल खरीदेगी, तो तू इसको ऐसे पकड़ा करना। यार व्हाई डिड यू नॉट गेट गोप्रो? इनको गोप्रो चाहिए, उनको गिम्बल चाहिए और आपको ड्रोन चाहिए। हमको ड्रोन चाहिए। एक काम करते हैं, सबको ले डालते हैं। हाँ, सबको ले डालते हैं, बहुत पैसा है, पता भी नहीं हो रहा हमारा। वैष्णो देवी आ गए, हाँ ऐसा लग रहा है, कटरा कटरा लग रहा है, कटरा कटरा तो ऐसे कर रही हूँ, मतलब कटरा गए हुए 20 साल हो गए होंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ओल्ड टाउन में, एक जगह है व्यू पॉइंट। ये खुलेगी कैसे टैक्सी? वो आएंगे खोलेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं वो व्यू पॉइंट पे। ओह माय गॉड भाई, यहाँ का बीच देखो आप, आज तो तूफान आया हुआ है समुंदर में। वेरी प्रिटी, माय गुडनेस। Okay. एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आप लोग व्यू पॉइंट आए अलगाव में लोग आ सकते हो इस वाले रेस्टोरेंट में, अगर आपने इटालियन खाना खाना है या फिर अच्छी सी आइसक्रीम्स खानी है। पता नहीं था ना मुझे कि इतनी ठंड हो जाएगी इस देश में भी। अरे वाह यार, इस ट्रेन में बैठ जाते हैं, बेस्ट है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग जा रहे हैं ट्रेन राइड पे, तो दो ट्रेन्स चलती हैं यहाँ पे, एक है ग्रीन लाइन और एक है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन मिलेगी हमें उस तरफ से, अभी हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन में और ये हमें अलगाव का एक हिस्से में घुमाएगी और ब्लू लाइन दूसरे हिस्से में। फिलहाल चलते हैं रेड लाइन पर। चलो 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 बेटे बेटे अंदर चलो। कि आज जब हम होटल में थे तो हमें बोला गया कि मास्क अलाओ, मास्क का जो वो रिस्ट्रिक्शन था वो हट गया है, आप मास्क ना पहने यहाँ पर। और अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं तो कह रहे हैं नहीं आपको मास्क पहनना है, तो हम मास्क पहन रहे हैं। तो हंस इसलिए रहे थे क्योंकि एक तो हमारे पास मास्क नहीं था, दूसरा हमने मास्क मांगा, तीसरा हम वो मास्क टूट गया, सब्जी का मास्क ये जो क्या कहेंगे से थ्रेड गिर गया, थ्रेड, हाँ मास्क का थ्रेड टूट गया। रेस्टोरेंट्स है और सामने आई थिंक चाइना टाउन जैसे कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट। हां दिस इज चाइना टाउन। गाइस इफ यू सीन फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड टर्निंग रेड, आई थिंक दिस इज वेयर दे फिल्मड इट। या यस, टर्निंग रेड, नाइस हाउसेस, स्टिल द रोड देयर, इट्स स्टिल द न्यू टाउन, एंड देन यू हैव अनदर रोड, अ वेरी क्रेजी रोड वी कॉल द स्ट्रीट। इफ यू वांट टू जंप ऑफ इन नेक्स्ट वन इज वेयर यू कैन जंप ऑफ इन द नेक्स्ट वन। Oh, ये बड़ा मेन बीच है।
बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना पसीने आ चुके हैं मुझे. Yeah, mummy, why did you not get your jacket? Hot, very hot. Come on, quickly. Again, train से. और प्रीति सूरी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है. ये सिर्फ pretend कर रही है. बारिश इतनी तेज हो गई है शुरू. हर हाल में खुश रहिए. हाँ, ये बात तो सही है. Escalators आ गई हैं यहाँ पे. एक escalators है नीचे जाने के लिए. मतलब ये दादी जी उधर कहते हैं पैंट से पालन दी. तो इस escalator से हमें नीचे जाना है और फिर हमें ऊपर पहाड़ी में जाना है. फिर हमें ओल्ड टाउन पहुँच जाएंगे क्योंकि प्रीति सूरी ने प्लान चेंज कर दिया, दूसरी साइड में ले आई ओल्ड टाउन के. कहा था ना तेरे को मैंने, ये तो सही कर रही है. इतनी गर्मी क्यों है भैया? चलो तो ये आ गए हम, मार्केट है यहाँ पे ओल्ड टाउन की और हम वो ढूंढेंगे. गाइस हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोग नोएडा में हैं सेक्टर 146 में और आप हमें मिल सकते हो आकर. यहीं पे गोलगप्पे वाली दुकान आएगी आगे. अभी तो लग रहा है सही नोएडा ही लग रहा है ना. मुझे वैसे सेक्टर का नाम याद नहीं, बल्कि हमारे घर के पास है ना 136. In Canada, it's snowing and it's so cold. How is it cold in Portugal? It's supposed to be hot. मेरे तो हाथ कांप रहे हैं इस टाइम. नहीं, ठंड लग रही है मुझे. पता, रुक जाओ ना, पे ठंड नहीं लगती. ये मिल गया हमारे को. Johnny, hi, how are you? It's fine. And पता विधि, इतनी ठंड लग रही है और तेरे को वो अभी भी वो नहीं हो रहा. तो हम यहाँ पे शेड में खड़े हो गए हैं. बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे. और प्रीति यहाँ पे खड़ी है, अभी यहाँ पे खड़ा है. कितनी बार पूछोगे अभी? अब तो इनको भी समझ आ गया. अभी ये रुकेगी ना तब चलते हैं प्रीति. ये अलगाव की गलियाँ हैं, ठीक है, ओल्ड टाउन की गलियाँ, उसमें हम घूम रहे हैं और बहुत प्यारी जगह है. अनफॉर्चुनेटली सच में बारिश हो रही है और जिस दिन धूप थी उस दिन हमें बीच में जाना था. हमारे भी तो तीन चार चीजें हैं ना. देखो हमारे साथ यहाँ तो रील रील बननी चाहिए भी थी. हाँ, यहाँ पर एक रील बननी चाहिए लेकिन बारिश इतनी जो आ रही है. तो आ जाना पैदल चलती हुई, आ जा. मैं आप ना इतना सांस सोच मैं दीपिका पादुकोण हूँ जो ऐसे आऊंगी और रील इतनी हेट चली जाएगी. आ जाओ, छोटो जी मिट्टी पाओ ना सब गलत हो और जो देख सकते हो देखो. टाइम काटा है, लिखा है म्युनिसिपल म्युनिसिपल. Oh my God, look at कितना cute है भाई. यही जगह की तो मैं बात कर रही थी कि मुझे अपनी pictures खिंचवानी है. Wow, this is so nice, guys. Church नहीं है बेटी, वो cocktail bar है. Guys, ये इतनी सुंदर जगह है. अगर आप लोग अलगाव आओ तो please old town जरूर आना. यहाँ से समुंदर का नजारा. तो मुझे इस मनी एक्सचेंज वाली बंदी ने बोला था कि आप कहीं भी मत जाओ लेकिन ओल्ड टाउन जरूर जाओ. सीरियसली गाइस, लुक एट द स्ट्रीट. और बारिश हो रही है वरना हम लोग एक बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचते. और अभी थोड़ा ओके बेटा, ओके चलो चलो चलो. ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. हम आए एग्जैक्टली, यहाँ आना ही आना है दोबारा. और पता नहीं हम लोग ने एक्चुअली हमने आज का ही प्लान कर रखा था लेकिन हमें मालूम नहीं था कि बारिश हो जाएगी. बट कोई बात नहीं, फिर भी हमने बहुत घूमा है और हमारे बच्चे ने हमारा बहुत साथ दिया है भाई. वेल डन टू अभी सूरी, वेल डन. हमारी ट्रेन आ रही है. मुझे आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है ना, वो येलो कलर की हमारी ट्रेन है. आ गई हमारी ट्रेन. चलो भाई, तो टिकट्स रेडी हैं? चलो भाई वहाँ बैठ लेंगे. थैंक यू. हम बैठ चुके हैं ब्लू लाइन में और ये इतनी प्यारी ट्रेन है, छोटी छोटी गलियों से जा रही है. यू नो लेकिन गाइस, इस बच्चे ने आज बहुत साथ दिया है. ही इज अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव चाइल्ड. आई एम प्राउड ऑफ यू अबीर सूरी. तो हम लोग एक ही शॉप में आए हैं, यहाँ पे सारा हैंडमेड सामान मिलता है. हेलो. सो इफ यू गाइस आर इन अलगाव, सो
अगर आप लोग कभी अलगाव आओ और आपको हैंडमेड स्टफ चाहिए हो तो ये है इस दुकान का एड्रेस. तो मैं और यू आर योर इंस्टाग्राम आल्सो राइट. आई एम गोना यूज व्हाट आई बॉट फ्रॉम यू एंड आई एम गोना टैग यू ओके. तो मैंने बहुत प्यारे ये ऑलिव ऑयल और नॉर्मल ऑयल डालने के लिए ये लिए. बहुत प्यारी शॉप है गाइस. आई लव्ड इट. सब कुछ हैंडमेड है. बस वापस आ गए हम अपनी ट्रेन जर्नी से. और वो हैंडमेड शॉप यार, वो हैंडमेड शॉप बहुत अच्छी थी वैसे. सीरियसली उनके पास इतनी प्यारी प्यारी यूनिक चीजें थी. वो पैशनेट कितनी थी अपनी. वाह शी इज वेरी नाइस. अबीर कर रहा है वहां पे रेस्ट. अबीरी yeah. मजा आया ट्रेन में? I'm watching with my partner. Right, but did you enjoy in the train? Yes. You like it? Yeah. आप अलगाव आए, ओल्ड टाउन जरूर आए. बहुत प्यारा है. हम ज्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, लेकिन एज अ फैमिली हमने बहुत एंजॉय करा. बाकी अब तैयारी हो रही है. आप पीछे देख सकते हैं लड़का लगा हुआ है अपने कपड़े प्रेस करने. बंदा अपने कपड़े हमेशा प्रेस करके पहनता है, ये मैं आज आप नोट कर लें. और बहुत अच्छी प्रेस इंपॉर्टेंट होता है. नहीं हम तो अपने बंदे का बहुत खुश है. कौन भाई, हम बहुत खुश है ना जी. ना हमें ना बंदा चेंज करना है, ना बंदे में कोई बदलाव करना है. यही बंदा चाहिए हमें. जन्म जन्म सातो जन्म साथ निभाएंगे तुम्हारा. और मैं इसके जब हमारी लड़ाई होती है ना, मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी, चाहे मैं तुझसे लड़ूँ चाहे जो मर्जी करूँ. मैं इसे हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा पहला जन्म है, अभी 6 जन्म और है. यू रेडी फॉर सातो जन्म? सातो जन्म. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो आज हम जा रहे हैं बड़ी खास जगह पर. बहुत प्यारी जगह है. वी आर गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन अलगाव. राइट सूरी साहब? इट इज वेरी वेरी नाइस. बेस्ट रिव्यूज, टॉप रिव्यूज. एक और खास बात है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात है. और मैं बोलूंगी यू नो इट्स क्वाइट नाइस थिंग ना कि आप कहीं और आए हो और यू नो दे मेट यू, दे इनवाइटेड यू. एग्जैक्टली. You know, हाँ, उस जगह पर जाना जहाँ पर यू नो लोग हमें जानते हो और अपने लोग हैं और वो लोग स्पेशली हमसे मिलने आए होटल में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू देयर प्लेस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और मैं बड़ी खुश हूँ अबीर को थोड़ा इंडियन खाना खिलाऊंगी. हाँ जी बोलो. व्हाट्स इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड, ये सब कुछ पता लगेगा आपको अगले व्लॉग में. तो अगला व्लॉग देखने मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. हमें बहुत मजा आया ओल्ड टाउन घूम के. आई होप आपको भी मजा आया होगा. Like, share, and subscribe. And if you're new to our channel, watch your old videos. Yeah, and welcome to the channel. Or channel ko zarur subscribe kijiyega. Right, Abiri? Yes. Okay, say bye in your style with your dolphin. Subscribe to our channel.